हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नीटिंग चैनल। आज जो है हम दो कलर का ये डिज़ाइन सीखेंगे। ये मैंने छोटा सा पैटर्न इसमें बनाया है। इसको किस तरह से बनाते हैं, इसमें हम टू के मल्टीपल में फंदे लेंगे। चाहे तो आप जितने भी फंदे आप इसके लिए ले सकते हैं, चाहे तो आप टू के मल्टीपल में इसमें फंदे ले सकते हैं। किस तरह से इस डिज़ाइन को बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में, जब आप इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में चार रो सेम कलर से बना लेनी है। यहाँ पे मैंने चार रो बना दी है वाइट कलर से। फिर अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। ये पहला फंदा बुना, ये हमने पहला फंदा बुन लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो धागा है, जो ये वाला धागा हमने लिया है, इसको हम इस तरह से आगे को ले आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे इस तरह से दो धागे हो गए हैं, एक तो ये लूज़ वाला है और एक ये टाइट वाला है। हमने लूज़ वाले से नहीं बनाना है। अगर आप लूज़ वाले से बनाओगे तो आप आगे बना नहीं पाएंगे, तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो आपने जो ये टाइट वाला है, इससे आपने दो फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर धागा इस तरह से पीछे खींच लेना है, फिर से इस तरह से धागा आगे ले आएंगे। जो टाइट वाला है, इससे हम दो फंदे इस तरह से बना लेंगे। फिर धागा पीछे खींचेंगे, फिर से इसी तरह से एक दो, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे वापस खींचेंगे और फिर से इसी तरह से आगे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, वापस धागा पीछे खींचेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे को खींच देंगे, फिर से दो फंदे उल्टे और धागा पीछे खींचेंगे। इसी तरह से हमने जो है वो पूरी रो बनानी है। लास्ट तक हम इसी तरह से सिंपल बनाते जाएंगे। बहुत ही इजी ये डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को जो है बिगनर्स भी बना सकते हैं बहुत ही इजीली, बहुत ज़्यादा आसानी से ये डिज़ाइन बन जाता है। इस तरह से इसको पीछे खींचना है, फिर से सेम आपने करना है। इसी तरह से टाइट वाले धागे से दो फंदे उल्टे बुन लेने हैं, फिर धागा पीछे खींचना है, फिर से सेम वही करना है। इस तरह से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे खींचेंगे, फिर दो फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने इस पूरी रो को बनाते जाना है। आपको बस इसमें यही रिपीट करना है, चार रो कंप्लीट करने के बाद सेम कलर से इस तरह से। ये हम यहाँ पे एंड पे पहुँच गए हैं। इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारी होगी है फर्स्ट रो कंप्लीट। अब हम बनाएंगे बैक साइड की रो। बैक साइड से क्या करना है, बैक साइड से हमारी पूरी की पूरी रो उल्टी बनेगी। बैक साइड की रो को हम पूरा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी साइड की रो बनाने के बाद अब हम सीधी साइड से भी एक सीधी रो बनाएंगे फ्रंट साइड से।
इसी सेम कलर से बनेगी। इसको हम पूरा लास्ट तक इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये फ्रंट साइड की रो हो गई है। अब एक रो हम बैक साइड से भी बनाएंगे। बैक साइड से भी हम इसको पूरा उल्टा बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम फिर कलर चेंज कर देंगे। इसको भी हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गई है हमारी चार रो कंप्लीट। चार रो कंप्लीट करने के बाद अब हम फिर से कलर चेंज करेंगे। अब हम इसमें वाइट कलर लगाएंगे। वाइट कलर से भी सेम हम उसी तरह से बनाएंगे। पहला फंदा हम सिंपल सीधा बुनेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, इस तरह से धागे को आगे लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे इस तरह से। फिर इस धागे को वापस पीछे खींचना है। फिर से सेम इसी तरह से करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये धागा हमारा आगे पीछे जा रहा, जो टाइट वाला है उसी से आपने फंदे बुनने हैं इस तरह से। फिर इसको पीछे खींचना है। फिर से आपने इसी तरह से आगे करना है। ये वाला आप देख सकते हैं, ये हम इसको जितना खींचना चाहे इतना खींच सकते हैं। यहाँ पे हमारे दो फंदे उल्टे। फिर इसको बैक साइड से वापस खींच लेंगे। इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप बिगनर्स हैं, अभी आपको ज़्यादा डिज़ाइन बनाने नहीं आते हैं, तो आप इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। इस तरह से पूरा कंप्लीट करने के बाद इसी तरह से आपने चार रो के बाद ये एक लाइन बनानी है। इसी में आपने डिज़ाइन बनाना है। तो इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आप इसको स्वेटर, कार्डिगन, कैप किसी में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं।